समाचार गरुड़ से। गांव भिसुदा में हुई गोलीकांड के फरार आरोपियों को पकड़ने एवं मृतक को 1 करोड़ मुआवजा दिए जाने को लेकर के कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। गरुड़ ब्लॉक कांग्रेस गरुड़ द्वारा विगत दिवस भिसुदा में हुई जमुनिया गांव के पूर्व सरपंच देवीलाल मीणा को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या को लेकर के उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच को लेकर के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया। भिसुदा नगर में हुए 12 दिसंबर को निर्मम गोलीकांड को लेकर के बुधवार को दोपहर को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गरोड़ के नेतृत्व में तहसीलदार को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि अपराधियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के रूप में देने की मांग की गई। ज्ञापन में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कचरूलाल मगर, दिनेश सोनी, ललित चंदेल, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र पाटीदार, ब्लॉक अध्यक्ष भवानी शंकर धाकड़, सुनील मिश्रा, गोपाल परिहार, पंकज भगत, अमित सोनी, खलील मंसूरी सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गरुड़ संवाददाता।